कैमटेशिया स्टूडियो 9 सीखने की वीडियो नंबर 11 में आपको खुशामदीद कहता हूं। गाइस, आज हम एक बेसिक क्लास लेके आया हूं मैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वीडियो क्लिपिंग और इसके अबाउट। वीडियो क्लिपिंग कैसे करते हैं, हम अपने वीडियोस सोचते हैं जो एडिट के लिए हम कैमटेशिया स्टूडियो 9 के जो इस सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट करते हैं उसके बीच क्लिपिंग कैसे कर सकते हैं और इसके इनको मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुबीन फ्रॉम आईटी स्कूल। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लिपिंग और इसका काम समझाने के लिए कुछ फाइल्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे इस प्रोजेक्ट में। मैंने कुछ फाइल्स ओपन की हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स, और इन फाइल्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। गाइस, वीडियो क्लिपिंग का काम किसी भी वीडियो के बीच में कोई पार्ट आप काटना चाहें या उसके बीच और कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें तो आप उसके थ्रू इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक इस वीडियो का पार्ट यहां पे इंपोर्ट कर देता हूं अपने स्टैंड लाइन पर और उसका मैं वॉल्यूम कर देता हूँ फिनिश। अब उसका स्क्रीन डायमेंशन मैं कर देता हूँ 1080 ताकि जब ये वीडियो कंप्लीट हो तो एचडी में मैं चाहता हूँ उसको बनाना। दैट्स व्हाई मैं उसके वीडियो क्लिपिंग की सॉरी स्क्रीन डायमेंशन की सेटिंग करता हूँ। अब प्ले करता हूँ। अब देखें, अब इस वीडियो जो यहाँ तक चल चुकी है, मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से काट के इसके बीच में मैं अपनी पसंद का कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँ, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। अब देखें, ये जो कंप्लीट वीडियो है, मैं इसको यहाँ आगे ले जाऊँगा या तो फिर इस साइड पे मैं कोई अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर पाऊँगा या तो फिर इस साइड पर। इस वीडियो के बीच में मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकता, तो इस काम के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्क्रीन क्लिपिंग। यहाँ पे आप इस सिंबल पर जो आप इसका जो रूलर देख रहे हैं, इस सिंबल पर आप आओगे, आगे राइट क्लिक करके आपने जस्ट स्प्लिट कर देना है। तो ये वीडियो जो एक वीडियो थी, अब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैं अगर अपनी पसंद का कोई ऑब्जेक्ट चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आता हूँ मीडिया की तरफ और यहाँ से मैं ब्लैंक स्क्रीन पे आके और इस प्रोजेक्ट सेटिंग का जो इसका बैकग्राउंड एरिया है उसमें से कर देता हूँ वाइट और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ ये एडोब फोटोशॉप का लोगो पीएनजी में, ठीक है। मैं चाहता हूँ उस वीडियो के बीच में ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद मैं उसे एक अच्छा सा एनिमेशन भी दे सकता हूँ या तो फिर इसकी उसकी साइज को बस इतना ही रहने देते हैं, उसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ताकि यहाँ से आप देखें गैप नज़र आ रहा होगा, ये गैप को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बिहेवियर यूज हो, ये वाला चेक करते हैं बिहेवियर और इस वीडियो को आप देखते हैं बिहेवियर का, ठीक है। ये यहाँ तक ये बिहेवियर हमने ऐड किया और अब एक और मैं कैलआउट्स ऐड करना चाहूंगा एनोटेशंस टैब के अंदर और यहां से मैं चूज करूंगा यहाँ पे मैं ये वाला कैलआउट ऐड कर देता हूँ और उसकी साइज उतनी कर देता हूँ जितना एडोब फोटोशॉप का जो पीएनजी है, जहां पे ये एडोब फोटोशॉप का पीएनजी ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है मैं उसी के ही मुताबिक ऐड करना चाहूंगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ ब्लैक और उसे मैं नाम दे देता हूँ एडोब फोटोशॉप।
या तो अगर आप चाहें तो दूसरा भी कैल आउट यूज कर सकते हो, कोई अच्छा सा कैल आउट यूज कर लेते हैं जिसमें टेक्स्ट भी हो और एक कैल आउट भी हो, ठीक है। और इस कैल आउट का जो मैं कलर है वो कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ हेडो फोटो हेडो फोटोशॉप सीसी 2018। अब देखें ये कैल आउट ऐड हो चुका है, अब मैं इसमें भी बिहेवियर यूज करना चाह रहा हूँ। जो इससे मैच करता हो वो बिहेवियर हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्ट से इसमें क्या क्या हमने। ये देखें बिहेवियर ऐड हो चुका है, मैं इसे मजीद जूम कर लेता हूँ और इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करके मैं उसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ हो गई है उसकी। अब मजीद थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड करने की भी कोशिश कर रहा हूँ अगर पॉसिबिलिटी हुई। ये देखिए ट्रांजेक्शन भी ऐड हो रहा है और इस ऑब्जेक्ट में भी ट्रांजेक्शन ऐड हो रहा है। अब देखते हैं इसका कमांड, ये देखें। तो आपको बेसिक समझाने का मकसद ये था कि आप अपने वीडियोस के बीच में क्लिपिंग करके आप और कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो मैंने जो इंपोर्ट की है वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अबाउट है, और आप इसी तरीके का जो आप एक इंट्रो क्रिएट करते हो ऑडियंस को दिखाने के लिए, पीपल को दिखाने के लिए कि हम किस बारे में, ये आज जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो किसके अबाउट काम करता है, आपको किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो जिसको हम इंट्रो भी कहते हैं। आपका कोई प्लेटफॉर्म हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई कोचिंग सेंटर हो आप जिसके अबाउट स्टडी करवाते हैं बच्चों को, तो उसी तरीके से आप एक इंट्रो क्रिएट कर सकते हो। आप देखें मैं वीडियोस को स्टार्ट से प्ले कर दूं। तो ये तो जस्ट मैंने अभी एक बहुत बेसिक सा काम किया है, अगर आप चाहें तो उसमें और भी बहुत सा हैवी काम कर सकते हो, उसके अंदर और भी वर्डिंग यूज कर सकते हो आप, बिहेवियर्स के थ्रू आप और अच्छे अच्छे फैक्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं ये वाला बिहेवियर यूज कर लूं और इसे जूम कर दूं तो इसका जो नाम था जंप एंड फॉल, तो जो प्रीवियस वाला था वो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ड्रॉप शेडो को भी कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पर ये देखिएगा ये इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये ज्यादातर बेसिकली जो टेक्स्ट होते हैं उस पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है बिहेवियर का। तो आज के वीडियोस का जो मकसद था वो था कि आप अपने वीडियोस के बीच में क्लिपिंग कर सकते हो, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम वीडियो को थोड़ा आगे ले जाएं तो ठीक इसी तरीके से जो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई हम एडोब आफ्टर इफेक्ट की भी क्लासेस देते हैं। उसके बाद आपका जब वीडियो दूसरा हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अबाउट हो जाए, तो आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए से PNG वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये आपको गूगल इमेजेस में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के बीच आप क्लिपिंग करके अपने ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, किसी भी टाइप की कोई वीडियोस हो तो इसके बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप कोई सीन कट करना चाहते हो कि ये सीन कट हो जाए मेरी इस वीडियो से, तो आप इजीली कर सकते हो। मैं अगर इसको जूम आउट कर दूं, मैं चाहता हूँ कि ये जो सीन है यहाँ पे
ये कट हो जाए तो मैं यहाँ पे जस्ट एक स्प्लिट कर दूंगा, और जितना एरिया मुझे काटना होगा मैं इस रूलर को आगे बढ़ने दूंगा, और मुझे इतना यहाँ तक काटना है तो मैं इसे स्टॉप करके अगेन मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके जो मेरा एरिया था और इसे अगेन क्लिक करके मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा, और ये जो बीच वाला पार्ट है उसे डिलीट करके मैं उसे काट दूंगा। तो ये बिल्कुल बेसिक काम था, बिल्कुल इजी होता है, इतना कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आई होप के आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं कैमटेशिया स्टूडियो के नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे आपसे, और नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे ये रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन की, जो कि इस कोर्स का आप समझ लें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग वाले जो ऑप्शन है वो आप सीख गए। तो आई होप कि आप अपने भी ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर सकते हो, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो, और आप अपना भी कोई चैनल कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट पे आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हमारा कोर्स वो होगा अपने एंड क्लाइंट की तरफ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।